अशोकनगर की चंदेरी नगर परिषद में इस बार कांग्रेस ने भाजपा को पटखनी दे दी है। इसका श्रेय कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आयोजित नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा के पार्षदों ने कार्यक्रम का बायकॉट कर दिया। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। चंदेरी नगर पालिका चुनाव में चला जयवर्धन सिंह का जादू। कांग्रेस ने दर्ज की जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में जीत। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन। ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे पर जयवर्धन ने चलाए तीर। भाजपा पार्षदों ने किया कार्यक्रम का बायकॉट। दरअसल चंदेरी नगर पालिका परिषद के निर्वाचित पार्षदों एवं अध्यक्ष ने पद की गोपनीयता की शपथ स्थानीय नवीन बस स्टैंड पर ली। बड़े ही भव्य रूप में उक्त कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका परिषद चंदेरी द्वारा किया गया, जहां कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के चलते भाजपा के पार्षदों ने कार्यक्रम से दूरी बना ली। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह का जलवा दिखाई दिया और उन्होंने मंच से भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे पर जमकर निशाना साधा। अशोकनगर से और मुकाबले से कांग्रेस के तीन विधायक बनवाए थे और जब जनता मत देती है तो चेहरे के साथ जो निशान होता है, जो चिन्ह होता है, उसको भी देखती है। और अशोकनगर जिले की जनता ने पंजे को देखकर जिले की तीनों विधानसभा में हाथ के पंजे का विधायक बनाया था, लेकिन फिर 2019 के लोकसभा चुनाव आए, हम उसमें जीत नहीं पाए और उसके बाद जो सौदेबाजी हुई उसके बारे में आप सब जानते हैं। मैं ज्यादा उस बात पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अफसोस है कि तीन में से दो विधायकों ने जनता के वोट को बेचकर भाजपा के साथ सौदा किया। भाजपा में चले गए, सरकार हमारी नहीं बच पाई। लेकिन क्या आप सबको ये जानकारी है कि जितना बड़ा सौदा उन दोनों के साथ हुआ उतना ही बड़ा ऑफर को भी दिया गया था। इसी तरह कार्यक्रम में मौजूद रहे विधायक गोपाल सिंह चौहान ने भी विधायक जयवर्धन सिंह की तारीफ में जमकर कसीदे पड़े और कहा कि शहर को गड्ढों से मुक्त कराने का काम जयवर्धन सिंह ने किया है। शहर की क्या हालत थी, पूरे शहर की, पूरा शहर खुला पड़ा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में आदरणीय बाबा साहब ने जी खोलकर फंड दिया, इसकी वजह से आगे कार्यक्रम के बाद चर्चा के दौरान विधायक जयवर्धन सिंह ने कार्यक्रम में अधिकारियों के शामिल नहीं होने पर भी जमकर हमला बोला। शपथ ग्रहण का इसमें प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी कोई भी नजर नहीं आए, क्या कारण है ऐसा? इसमें जो भी ऐसे अधिकारी हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब कोई भी निर्वाचित व्यक्ति नगर परिषद का अध्यक्ष बनता है तो उनका जो संवैधानिक अधिकार है वो सीमा से ऊपर हो जाते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि कुछ अधिकारी ये सोच रहे हैं कि वही सब कुछ है, लेकिन उनको ये बात याद करनी चाहिए है कि अब सीएमओ रिपोर्ट करेगा अध्यक्ष को, क्यों अध्यक्ष सीएमओ को रिपोर्ट करना पड़ेगा परिषद को। जो फैसले चंदेरी के शहर के विकास के लिए होंगे वो लिए जाएंगे पीआईसी की बैठक में, पार्षद तय करेंगे, अध्यक्ष तय करेंगे। तो मेरा विशेष आग्रह है जो भी अधिकारी हैं कि ये लोग कोई भी घमंड अहंकार ना रखें, क्योंकि आखिर ये भी यहाँ इसलिए हैं ताकि जनसेवा हो, जनता का भला हो। और इसमें विशेषकर जो भी हमारे पार्षद अध्यक्ष हैं उनकी सुनवाई हो, जो काम जनहित के हैं वो पूर्ण हो, ये हमारा प्रयास होना है। देखिए जैसा मैंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में हर परिषद स्वतंत्र होती है, चंदेरी नगर परिषद में हमारे
यहाँ के लोकप्रिय विधायक गोपाल सिंह चौहान साहब की मेहनत से और विशेषकर जो जनता जंजीरी की है उनके आशीर्वाद से जो परिषद बनी है अब इनका अधिकार है। आपको ये बात समझनी होगी, हर नगर परिषद चाहे चंदेरी हो, अशोकनगर हो, गुना हो, रावगढ़ हो, वो स्वतंत्र होती है। इनको इनके फैसले लेने होंगे। जो सवाल विधायक जी का है या मेरा है, हम तो उनके सेवक खड़े हैं। वहीं कार्यक्रम के पूर्व में एक विशाल बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें विधायक जयवर्धन सिंह ने 2 किलोमीटर पैदल चलकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, अशोकनगर।